गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द विजडम स्कूल। बेटे, आज हम ग्रामर का पार्ट दो वर्णमाला करेंगे। ओके, आइए करते हैं। प्रश्न चार है आपका, निम्न सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। सही शब्द चुनना है, ये आपको ऑप्शन दिए हैं, दोनों में से कोई एक आएगा। सबसे पहला है, व्यंजन के उच्चारण में डैश की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की। फिर है, दो व्यंजनों के मेल से, यहाँ पर आपके लिखा हुआ है दो व्यंजनों के मेल से डैश कहते हैं। बेटे, स को से को काटकर आपने को लिख लो, फिर आपका ये वाला वाक्य सही है। दो व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, तो यहाँ पर से की जगह को कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु, इस तरह से ये जो बिंदु लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्यों? अनुस्वार की क्या पहचान है? कि वो एक डॉट के रूप में, यानी एक बिंदु के रूप में होगा, और जो अनुनासिक है वो चंद्र बिंदु होगा। अनुस्वार जो है वो नाक से बोला जाता है, इसलिए उसे अनुस्वार कहते हैं, और अनुनासिक नाक और गले दोनों से। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण उत्तर क्या आएगा? वर्णमाला। फिर है ड, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। फिर है, अनुस्वार वाले शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। ये कुछ आपको वाक्य दिए हैं, क ख ग घ ड, इनको पूरा करना है अनुस्वार लगा के, इस तरह से बिंदी लगा के, बिंदी वाले। जैसे देखो, कमला बहुत गंदी है, ये ऑप्शन दिया आपको पांच, और ये आपने इन पांच सेंटेंस में लिखने हैं। कमला बहुत गंदी है, हमारा झंडा तिरंगा है, मेरे कमरे में पंखा चल रहा है, रामू ने गधे को डंडा मारा, और शरबत ठंडा है। अब ध्यान से देखिए कि एक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हुए हैं। कौन से डॉक्टर हुए हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो ये जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं, इन्होंने क्या किया, इस पंचमाक्षर, ये जो है ना आपके अनुस्वार, इनको अनुस्वार बोलते हैं। ये जो बिंदी है इसको अनुस्वार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ठीक है, तो इसको अनुस्वार बोलते हैं, इस बिंदु को। तो अनुस्वार का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने किया था। इन्हीं के द्वारा हिंदी व्याकरण में नियम बनाया गया कि अनुस्वार, तो पंचमाक्षर को अनुस्वार में बदला जाए, अनुस्वार लगाया जाए। उससे पहले हमारे पंचमाक्षर जो होते थे, पांचवा अक्षर, जैसे आपका जैसे देखो आपके कवर्ग में सबसे पहला होता है क ख ग घ और ड। ठीक है, ये इस अक्षर को पांचवा अक्षर बोलते हैं, यानी पंचवा अक्षर। ये जो पांचवा अक्षर है ये इस तरह से एज इट इज यूज होता था, लेकिन पर पहले कैसे यूज होता था? देखो, पहले जैसे देखो गंगा किस तरह से लिखा जाता था, कैसे लिखा जाता था कि गंगा, इस तरह से। लेकिन फिर बाद में डॉक्टर श्याम सुंदर ने इस गंगा को कैसे लिखवाया? इस तरह से। तो ये हमारा पांचवा अक्षर अनुस्वार इस तरह से लिखा जाने लगा। अब हमारी हिंदी में ये वाला अक्षर मान्य है, ये भी ठीक है, लेकिन ये वाला अक्षर हमारी व्याकरण की वर्णमाला में हमारे पंचमाक्षर को अब अनुस्वार रूप में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसके बाद प्रश्न छह है आपका, नीचे दिए गए स्वर और व्यंजन अलग अलग छांट कर लिखिए। देखिए, एक आपको बॉक्स दिया हुआ है, ऑप्शन बॉक्स। ठीक है, इसमें से जो आपके स्वर और व्यंजन है वो अलग अलग करने हैं। स्वर कौन से हैं? अ आ ई ई ऊ और री और ऊ। व्यंजन है क ब भ प फ न। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न सात,
निम्नलिखित शब्दों के वर्णों को अलग अलग कर लिखना है। ये कुछ शब्द दिए हैं, जैसे आपको ये वाला एग्जाम्पल के लिए दिया है, माला मे आ ले आ, कमल क अ म अ ल अ कमल, नमन न अ म अ न अ नमन, चाचा चे आ चाचा, मामा मैं आ मामा। अब देखो बेटा, इसमें आदि मात्रा है इसलिए आ जोड़ा है, और कोई भी व्यंजन है, कोई भी व्यंजन स्वर अपने आप होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इसलिए उसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती। कोई भी व्यंजन होगा तो उसमें अ जरूर होगा, ये वाला स्वर जरूर होगा, ऑटोमेटिक होगा, इसलिए हमारे व्याकरण में अ की कोई मात्रा नहीं होती। फिर अगर देखो यहाँ पर आपके मात्रा दी है और स्वरों को या तो स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है या मात्रा के रूप से, तो अगर स्वर जो है आपके स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाएंगे, तो जैसे मैं लिखती हूँ अनार, ठीक है, तो आपका इस तरह से अ जो है वो स्वतंत्र रूप से है, और अगर मैं आपका कहूँ आम, तो आम जो है वो भी स्वतंत्र रूप है, लेकिन अगर मैंने इसको इस तरह से प्रयोग किया का, तो ये जो आ है आपका, ये वाला आ है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मात्रा रूप में प्रयोग होगा, ठीक है। इसीलिए जो शब्द आपका मैं आ ले आ माला मात्रा रूप में था, उसमें आपने आ लगाना है, और जो जिसमें मात्रा नहीं है उसमें आपने ए लगाना है। अगर आपका छोटा और बड़ा दोनों इकट्ठे आ जाए, ए और आ दोनों आ जाए किसी शब्द में, तो फिर आपका बड़ा आ प्रयोग होगा, बड़ा स्वर प्रयोग होगा। ये ग्रामर का, व्याकरण का आपके रूल है बेटा, कि इस तरह से आपके प्रयोग किए जाएंगे। यहाँ तक आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट भी हो गया है और इसकी रिवीजन भी हो गई है, ओके बेटा। तो आपने यहाँ तक चैप्टर सारा जो है वो करना है, यहाँ तक आपने पूरे पार्ट का पे बुक वर्क जो है आपका यहाँ तक है, और आपने यहीं तक करना है, ओके बेटा, बाय।